भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मुकाबला। न्यूजीलैंड यानी कि कीवी टीम ने भारत को 0-2 यानी कि 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया जी। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैच हुए। पहला टेस्ट मैच भारत ने 10 विकेट से गवाया तो दूसरा टेस्ट भी 7 विकेट से भारत के हाथ से निकल गया। आपको बता दें इस मैच के हारने के बाद से क्रिकेट के कई दिग्गजों ने अब टीम इंडिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस सवाल का निशाना टीम के कप्तान विराट कोहली तो बने ही लेकिन इस टीम के कोच हेड कोच यानी कि रवि शास्त्री भी बन गए। आपको बता दें कि रवि शास्त्री को भी अब ट्रोलर्स निशाने पर ले रहे हैं कि ये क्या कोचिंग दे रहे हैं टीम को, कैसे कोच हैं ये जो विदेशी सरजमी पर साल 2020 की पहली टूर को ही हरा कर आ गए। यानी कि 5 T20 तो भारत जीता, क्लीन स्वीप किया, ODI में 3-0 से हार गया भारत न्यूजीलैंड से। उसके बाद भी कोच ने सीख नहीं दी और टेस्ट मैच भी जस्ट उसके विपरीत रहा, उसके जस्ट उल्टा हुआ और भारत टेस्ट मैच भी 0-2 से हार गया। और उसके बाद से अब सोशल मीडिया पर रवि शास्त्री के कोच पद को हटाने को लेकर बहुत ज्यादा तस्वीरें वायरल हो गई हैं, बवाल उठ गया है, सवाल उठ गया है और इस सवाल का जवाब अब कैसे मिले ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप हम जो क्रिकेट देख रहे थे उसने सिर्फ भारत का पतन देखा, सिर्फ भारत का पतन। न्यूजीलैंड की सरजमी पर, कीवियों की धरती पर जिस तरीके से भारत हारा, भारत ने सिर्फ हिस्सा लिया, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हिस्सा लिया, भारत ने तो प्रदर्शन करके दिखाया ही नहीं। जिस लय में भारत की टीम है उस लय में तो उसने टेस्ट मैच खेला ही नहीं। ये वो भारतीय टीम है जिसने पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला था और वो जीता था उस सीरीज को लेकिन बांग्लादेश को हराकर, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीम को वो हरा नहीं पाई। आपको बता दें जिस तरीके से भारत हारा है उसको लेकर अब विराट कोहली की कप्तानी पर तो सवाल उठे लेकिन सबसे ज्यादा अब सवाल के घेरे में आ गए हैं, सवालों के घेरे में आ गए टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री और उनके कोच पद को हटाने को लेकर अब ज्यादा बातें चलने लगी। अब आने वाला वक्त बताएगा, BCCI ये फैसला लेगा कि क्या कोच पद के लिए रवि शास्त्री सही नहीं है, क्या ये सीरीज के हार का जिम्मेदार कोच भी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।